आपको मैं दिखाता हूँ, आगे देखिए जाली सी लगी हुई है पूरी, और ये जाली में जो है ना वो पूरी जगह को महसूस, जो गसर मलकी लिखा हुआ है यहाँ पे इसके साइड पे, वो देखिए वो जाली वाले साइड देखा राइट साइड, ये देखा ये लगी हुई जाली, ये पूरा मैदान था जब हाजी लोग हज पे आते हैं ना यहाँ से तेजी से भागते हैं, तेजी से भागते हैं ताकि यहाँ पे रुके ना। अच्छा, इसलिए यहाँ पे खेमे नहीं लगे हुए, जगह छोड़ी हुई खुली, और ये जगह मतलब छोड़ दी बस। ये देखने सारे खेमे हैं मीना के, इन खेमों में रुकते हैं जो खेमे में हाजी लोग यहाँ पे तीन रातें हैं, इनमें सब वो लगा। अच्छा, आपने वहाँ से कंकरी उठाई 49 कंकरी आपने उठानी है 49। हाँ, कुछ लोग जो है ना 70 उठाते हैं, मैं बताऊंगा क्यों उठाते हैं 70, मैं वहाँ जाके जवाहरात के पास जाऊँगा ना फिर आपको बताऊँगा क्यों 70 और क्यों क्यों उठाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारा वहाँ पे क्लियर, कैसे मेट्रो स्टेशन पूरा दिल्ली लग रहा है, तो बिल्कुल दिल्ली भी ऐसा है ऐसे तो ना करोल बाग और वहाँ पे सब। ये अभी हम लेफ्ट साइड पे देखिएगा आपको अभी नजर आएगा यहाँ पे। अच्छा देखिए वो पहाड़ के ऊपर वाइट सा नजर आ रहा है गुम्बद सा बना हुआ, देखें देखे इसमें सुराख सा भी नजर आ रहा है, दिख रहा है दिख रहा है जी, देखा आपने सबको दिखाओ, हाँ दिख रहा है वो सामने जो दिख रहा है, देखा हाँ दिख रहा है। देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना इब्राहिम इस्लाम से कहा था मैं सबसे प्यारी चीज कुर्बान करूँ, तो हज़रत साहब अपने बेटे इस्माइल इस्लाम को लेके आए थे, नजर आया जी आपको जी जी जी। और वो 80 साल की उम्र में हुई थी औलाद उन्हें, देखें वो वहाँ से आए हरम से जी यहाँ पे लेके, यहाँ पे जब ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा। अब ये देखें वो जब आराम से आ रहे थे ना तो रास्ते में किसी ने रोका, क्यों जी रास्ते में किसी ने रोका था, शैतान ने, वो शैतान नहीं चाहता था कि भाई यहाँ पे पहुँचे, अल्लाह का हुक्म तो वो चाहता था अल्लाह के हुक्म की हदूदी करें। ठीक है, अब वो जो शैतान जो पहला जो बड़ा है ना वहाँ पे आगे से शैतान ने जो है ना सीना बड़ा कर लिया और आगे उसको इस्माइल इस्लाम को बहकाने लग गया, तो फरिश्ते ने हुक्म दिया इस्माइल इस्लाम को इसको कंकरी मारो, वो इब्राहिम इस्लाम वहाँ से कंकरी उठा के उसको मारी। अब वो देखें अल्लाह ताला को इस हद तक पसंद आई थी कि वो हज का रुकन यानी कि हज का फर्ज करार दे। ठीक है, ऐसे ही वो तीन मकामात पे रूप बदल के आता रहा, वो एक दफ़ा रूप बदल के बीबी हाजरा के पास भी चला गया। अच्छा, ठीक है, बीबी हाजरा के पास जाके था कि इब्राहिम तेरे बेटे को ज़िबा करने लेके जा रहा है, बीबी हाजरा कहती कौन बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है, कह रही अगर तो ये मेरे अल्लाह का हुक्म है ना तो 100 दफ़ा कुर्बान हो, यानी कि इतना ईमान पुख्ता आप देख लें आजकल के लोग, आज तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 80 साल में हुई थी वो औलाद उनको जब उसे कुर्बान करने जा रहे थे, तो कहने का मकसद ये वो मकाम इस्माइल जहाँ से सुनते थे इब्राहिम, हम शुरू करते हैं कुर्बानी जो है, तो इसी से कुर्बानी ये स्टार्ट हुई। अभी देखें हरम से आ रहे थे ना रास्ते में वो शैतान आए हुए तीन जगह, तीन मकाम है, बड़ा शैतान है छोटा शैतान है, उसी चीज को जिंदा करते हैं, मतलब उस चीज को। बहुत से जूता फेंक के मारते हैं, बहुत से मतलब गुस्सा आ जाता है, बहुत सब गुस्सा सब हो जाती है, जूता तो जज्बाती है। ये देखो सारे कैंप बने हुए, देखो ओ ये देखो सब पहाड़ के उधर भी खेमे, ये देखो खेमे है सब, पहाड़ के टनल क्रॉस करेंगे आगे फिर खेमे शुरू हो जाएंगे। सुबह ये देख ले जिसका खेमा कैसे पता चलेगा, भी खेमा मेरा भी रात के टाइम यही टाइम होता है, वही अच्छा। एक जगह सब ढूंढेंगे कैसे भाई साहब, बस वाला ढूंढाता है तो ये जब कंकरी मार के वापस आते हैं ना जी, फिर जाके जो है ना हाजी लोग जो है ना वो अपना गुम होते हैं कंकरी मारने के बाद, हाथ तो वापिस ज्यादा करते हैं ना, उसके बाद फिर गाड़ियाँ जो है ना गलत साइड पे छोड़ देते हैं कभी किधर कभी। अच्छा एक बात पूछ दी थी, ये जो खेमे हैं ये हमको मिलेंगे ये अपना किसी में भी रहने चालू कर दो? नहीं, आपको हाज करने आएंगे, आपका जो मोलम होता है ना वो आपको बुक करवा देगा, उसमें सब चीजें होंगी, इसमें एसी भी लगा हुआ होगा। एसी सर अभी दिखाता हूँ अंदर से आपको, पूरा बना हुआ होगा, अभी दिखाते हैं आपको, एसी तो लग रहा है ना सर इसमें सब इंतजाम, पहले नहीं होंगे अब लग रहा है अब तो, हाँ मतलब वो क्या चीज एसी खाना पीना सब यही होगा अंदर ही, पहले तो वॉशरूम, पहले हर कोई अपने आगे कपड़ों को लगाता था, आपने सुना भी होगा बड़ी आग लगी थी बहुत से बंदे शहीद, तो अभी जो है ना इन्होंने फाइबर के बना दिए, फिक्स फाइबर के बना दिए, अभी पहले लोग लेके आते थे अपने तंबू लगा लेते थे सिलेंडर चूल्हे ला के अंदर, अभी वो खत्म हो गया है उसकी वजह से आग लगी थी, तो अभी जो है ना इन्होंने ये सिस्टम चेंज कर दिए, अभी हम जवानात के पास आ गए। अच्छा आप देखें ये स्टेशन है ना ये वाला, यहाँ पे आके गाड़ी जो है ना रुकती है, देखें स्टेशन ठीक है, यहाँ से आज जो ट्रेन वाला है ना वो इस ब्रिज के ऊपर से पैदल जाएगा, अच्छा वो नीचे नहीं